खत्म कर देंगे, क्योंकि गुंडा गुंडे की भाषा बोलेगा, गुंडे से आप किसी और चीज की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन ऐसे कीड़े मकोड़ों को मेरी एक सलाह है, लेकिन वो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली एक कहावत है ना, हमारे यहाँ देसी मुहावरा है, इस आंदोलन से पहले यहाँ गाजीपुर आने से पहले ये शाहजहांपुर गए हैं कि प्रधानमंत्री इन दोनों की गुलामी कर रहे हैं, इन दोनों की चौखट पर सलाम कर रहे हैं। नहीं, इस आप इस बात में धन्यवाद दीजिए कि मोदी जी ने देश का नाम नहीं रखा, ये तो स्टेडियम का ही नाम रखा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो तो देश का, भारत का नाम ही बदलने के लिए तैयार बैठे हैं। कि मेडिकल फैसिलिटी का ध्यान रखना था, जिनकी सुरक्षा की व्यवस्था रखनी थी, सरकार उन्हीं को ऐसे समय में लूट रही है जब पूरे देश में आर्थिक हालात बस से बदतर दिनों दिन होते जा रहे हैं और रोजगार की भयानक कमी इस देश में है। तो आप अपनी पार्टी के रैलियों में क्यों भीड़ इकट्ठा करते हो? आप पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, क्यों भीड़ इकट्ठा कर रहे हो अगर भीड़ से कुछ नहीं होता है? नमस्कार, इसमें आम जनता का जो प्रॉब्लम्स है, समस्या है, वो हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भानु प्रताप जी। चलिए डायरेक्टली उनसे मिलते हैं, उनकी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब जानते हो मिस्टर भानु जी कौन है, क्या है, क्या पोजीशन है उनका, और उनका शब्दों का किस तरह से वैल्यू है आज के तारीख में, और आगे भी वैल्यू रहेगी। तो बने रहिए और सुनते रहिए। नमस्कार सर, वेलकम टू न्यूज़ 5 भारत। सर, आपने आज सुना होगा, आज 25 रुपया तकरीबन गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, आप इसके ऊपर क्या विचार रखेंगे? ये तो खुली लूट है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सरकार जिस तरह से लूट रही है अपने ही देश के नागरिकों को, जिनकी रक्षा करनी थी, जिन्हें रोजगार देना था, जिनकी खाने पीने की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से करनी थी, जिनकी एजुकेशन का ध्यान रखना था, जिनकी मेडिकल फैसिलिटी का ध्यान रखना था, जिनकी सुरक्षा की व्यवस्था रखनी थी, सरकार उन्हीं को ऐसे समय में लूट रही है जब पूरे देश में आर्थिक हालात बस से बदतर दिनों दिन होते जा रहे हैं और रोजगार की भयानक कमी इस देश में है। उस समय सरकार लूट रही है, कोई आम वैसे कोई लूटता व्यापारी तो समझ में आती, लेकिन सरकार लूट रही है। अभी पीछे 50 रुपए बढ़ाए थे और फिर 25 रुपए बढ़ा दिए, मतलब मुश्किल से हफ्ता भर नहीं हुआ होगा 75 रुपए आप बढ़ा रहे हैं। किस आधार पर बढ़ा रहे हैं? कोई कारण भी तो होना चाहिए। क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसके दाम बढ़ रहे हैं? नहीं, तो फिर आप कैसे बढ़ा रहे हैं? क्या कोई देश में किसी और खर्च की बात है? नहीं, कोई और आप मतलब लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कोई इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, फिर आप कैसे बढ़ा रहे हैं दाम? तो ये लूट के अलावा कुछ नहीं है जो मोदी सरकार लगातार कर रही है। अच्छा सर, और एक बात है कि कल आपने देखा होगा कि सरह से स्टेडियम का नाम नरेंद्र सिंह मोदी का नाम रखा गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नाम रखा गया है, और उसमें सेक्शंस बना दिया गया है, एक है अडानी ग्रुप और एक है अंबानी ग्रुप। पहले तो क्या खिलाड़ियों के नाम पे होता था सीटें, और सब लोग बैठ के उनके फेवरेट खिलाड़ी के सीट में बैठ के मीन्स ग्रेस करते थे क्रिकेट मैच को, लेकिन अभी अडानी और अंबानी के दो बंटवारे हो गए उसमें, उसके ऊपर क्या? नहीं, आप इस बात में धन्यवाद दीजिए कि मोदी जी ने देश का नाम नहीं रखा, ये तो स्टेडियम का ही नाम रखा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। वो तो देश का, भारत का नाम ही बदलने के लिए तैयार बैठे हैं कि भारत को एक नाम बदल के नरेंद्र मोदी नाम दे दें। ये हम दो और हमारे दो वाली संस्कृति थी, मैंने उस दिन बताया ना कि जैसे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह और इनके दो अंबानी और अडानी, ये इनका चरित्र इस बात से खुल के सामने आ रहा है कि ये चारों के चारों मिलके इस देश को पूरी तरह से लूटने और तबाह करने पर तुले हुए हैं। अब मैं नहीं समझता कि किसी के दिन में, किसी के दिमाग में ये कोई भी शक रहा होगा कि जो बात हम पहले से कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इन दोनों की गुलामी कर रहे हैं, इन दोनों की चौखट पर सलाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल साफ होता चला जा रहा है। एक स्टेडियम, देश के इतने बड़े क्रांति के नेता रहे हैं, जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन चला उसके बड़े नेता रहे, आप उनकी सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति पे बनाते हो, उन्हीं के नाम पर जो स्टेडियम है आप उनका नाम बदल के अपना कर ले रहे हो। ये तो समझ में आ रहा है कि किस तरह का खेल चल रहा है। व्यक्ति पूजा और केवल मैं ही मैं हूं, एम ब्रह्मास्मि वाली जो स्थिति है, मोदी जी उसी तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, उसी तरफ काम कर रहे हैं, देश को तबाह करने में लगे हुए हैं। सर, आपका आवाज आ रही है पीछे से स्टेज के, पांच राज्यों से आए हुए हैं। ये देखिए, इस बात का सबूत है और सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है कि जो कहती थी ये चंद लोगों का आंदोलन है, केवल
पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, केवल सिखों का आंदोलन है, ये आंदोलन पूरे देश का आंदोलन हम पहले दिन से कह रहे हैं। और यहाँ आप देखें कि ये जो लोग आए हैं ये 5 राज्यों से, तमिलनाडु से हैं, कर्नाटक से हैं, केरल से हैं, तेलंगाना और आंध्रा से हैं, ये सारे के सारे। और ये इससे पहले, इस आंदोलन से पहले यहाँ गाजीपुर आने से पहले ये शाहजहांपुर गए हैं, टिकरी बॉर्डर गए हैं, अब यहाँ पर हैं, कुछ दिन यहाँ पर रहेंगे, फिर ये सिंगू बॉर्डर जाएंगे। लगातार जो है पूरे देश से लोग इसमें आ रहे हैं। और केवल इतना नहीं है, कर्नाटक में भी लगातार आंदोलन चल रहा है, तमिलनाडु में भी चल रहा है, केरल में भी चल रहा है, आंध्रा में भी चल रहा है, उड़ीसा में भी चल रहा है। यानी केवल वहां से आ ही नहीं रहे हैं, यहाँ अपनी जो है हाजिरी ही नहीं लगा रहे हैं, बल्कि वहां पर भी लगातार आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। और किसान पंचायतों के माध्यम से आप देख ही रहे हैं पूरे देश में आंदोलन लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ और एक बात पूछनी चाहती हूँ आपसे कि पिछले दिनों तोमर जी ने कहा कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा, दो स्टेटमेंट है उसमें और ट्विटर पे सारा कुछ, कि जो किसान आंदोलन हो रहा है यहाँ पर, किसान आंदोलन जो हो रहा है, ये जो भीड़ इकट्ठा करने से बिल वापसी नहीं होगी, भीड़ इकट्ठा करने से बिल वापसी नहीं होगी और इससे कोई फायदा नहीं है, इसके ऊपर आप क्या कहना? ये इसका बहुत बड़ा फायदा है, लेकिन वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाली एक कहावत है ना हमारे यहाँ देसी में, मुहावरा है। तो ये बेचारे अपनी उसको खींच को मिटा रहे हैं कि भीड़ से नहीं होगा। अगर भीड़ से नहीं होता है कुछ भी, तो आप अपनी पार्टी के रैलियों में क्यों भीड़ इकट्ठा करते हो? आप पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहा है, क्यों भीड़ इकट्ठा कर रहे हो अगर भीड़ से कुछ नहीं होता है? और भीड़ से अगर इस आंदोलन पर फर्क नहीं पड़ता या कानून वापस नहीं होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिन और रुक जाइए, थोड़े दिन और जाने दीजिए। ये भीड़ देश के हर कोने में, हर प्रदेश की राजधानी में, हर कमिश्नरी में और हर जिले तक पहुंच जाएगी, तब तो आपकी समझ में आएगी ये भीड़ नहीं है, ये लोगों के अंदर किसान आंदोलन के प्रति जगता हुआ जज्बा है और किसान आंदोलन के प्रति उमड़ता हुआ उनका समर्थन है। और इसका मतलब यह है कि आंदोलन अब लगातार घर घर फैलता चला जा रहा है और ये आगे आने वाले समय में केवल कानून ही वापस नहीं होंगे, यही भीड़, इसी भीड़ की ताकत इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को न केवल केंद्र में बल्कि कई राज्यों से उखाड़ के फेंक देगी, तब पता लगेगी भीड़ की कीमत क्या है। पिछले दिनों ये भी बात हुई है, कपिल मिश्रा जी जो बीजेपी के बहुत बड़ा नेता है, उन्होंने कहा कि जिस तरह से शाहीन बाग का आंदोलन को खत्म कर दिया पुलिस को साथ में लेकर, वो कह रहे हैं कि जो भी बॉर्डर्स में आंदोलन हो रहा है पुलिस का साथ में लेकर इसी सारे किसान आंदोलन को खत्म कर देंगे। नहीं तो कोशिश करके देख लें, अगर खत्म कर देंगे, क्योंकि गुंडा गुंडे की भाषा बोलेगा, गुंडे से आप किसी और चीज की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन ऐसे कीड़े मकोड़ों को मेरी एक सलाह है कि इस आंदोलन के आसपास से भी नहीं गुजरना, इस आंदोलन के आसपास से भी नहीं गुजरना। और जो मन में ख्याल है ये ख्याल अपने अंदर ही रखना। और पहले भी नजारा देख लिया होगा, जिस दिन 27 तारीख को करना चाह रहे थे, पर आगे बताए दे रहा हूं, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले लोग हैं। काश एक पल को हम कानून को भूल जाएं और संविधान को भूल जाएं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों का पता नहीं लगेगा पैर के नीचे कब कुचल गए और दफन हो गए। इसलिए पता रहनी चाहिए आपको, हम शांतिपूर्वक हैं तो कमजोर नहीं है। हमारी शांति को, हमारे अनुशासन को, हमारी सभ्यता को हमारी कमजोरी मत समझना। और हमें मालूम है कि तुम गीदड़ हो, कायर हो और पुलिस वालों के साथ में मिलके ही तुम गुंडागर्दी करते हो, लेकिन तुम्हारी हिम्मत अभी भी इतनी नहीं है कि तुम यहाँ आके ये बात कह सको, चूहों की तरह से बिलों में बैठ के ही ये बात कह सकते हो, तो संभल के रहना जरा। ये डेडलॉक जो खत्म नहीं हो रहा है, ओपनिंग कहाँ होगा, सरकार के तरफ से या किसानों के तरफ? मैम देखिए, हमारी तरफ से हमेशा जो वार्ता के दरवाजे हैं खुले, या अगर आप मेरे से व्यक्तिगत पूछोगे, मैं वार्ता के पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि वार्ता का कोई मतलब नहीं है। जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि कानून वापस नहीं होंगे, और हमारा जो कहना है वो कानून वापसी ही पहली शर्त है और MSP कानून, प्रधानमंत्री इसको मना करे तो वार्ता का मतलब क्या है? हम जानते हैं इस बात को, फिर भी अगर सरकार कहेगी तो हम वार्ता के लिए, हमारे जो किसान संघर्ष समिति के जो लीडर हैं वो निश्चित रूप से जाएंगे। पर रही बात ये कि ये जो डेडलॉक है ये कब टूटेगा, मैं नहीं कह सकता कब टूटेगा, पर हम अपने
आंदोलन को, जब तक सरकार बात नहीं करती है, हम अपना समय, अपनी ताकत इस आंदोलन को और मजबूत करने में, इस आंदोलन को घर घर पहुंचाने में लगाएंगे। किसान पंचायत हमारी चल रही है, फसल कटाई का समय आ रहा है, फसल कटाई भी होगी, यहाँ भी आंदोलन मजबूत रहेगा, किसान पंचायतें भी चलेंगी, और इसके अलावा इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और जो भी कुछ किया जा सकता है हम लोग लगातार करेंगे। आप जैसे सुप्रीम कोर्ट में हो, तो आया से एडवोकेट, अब मुझे एक पूछना है, सुप्रीम कोर्ट की माहौल किसान आंदोलन को लेकर क्या है? नहीं, अभी तो जो पिटीशन ऑलरेडी पड़े हुए हैं उसमें 4 हफ्ते बाद की डेट उसने लगाई थी, अभी दोबारा से लिस्ट हुआ नहीं है, लिस्ट होगा फिर कोर्ट क्या करेगी ये उस समय देखा जाएगा, जैसे भी है, क्योंकि हम उसमें पार्टी नहीं है, तो इसे हमें उसकी उसकी चिंता नहीं है, पर फिर भी केस है, जो भी कोर्ट करेगी पास तो करेंगे, जैसा भी होगा देखेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो पर। उससे पहले एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, जो आज हमने वीडियो शूट की है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के साथ, आप सब लोग, आम जनता सब लोग जरूर देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका बजट, महीने का जो बजट है, मंथली बजट है, बिगड़ती हुई नजर आती है, आता होगा, तो जरूर मिलिए। और कुछ कमेंट्स लिखना है जरूर कमेंट्स कीजिए, मैं इनसे वापस दोबारा मिलूंगी तो प्रश्न पूछूंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।